एग्जैक्टली जिस तरह से मामला चल रहा है तो खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो ये मामला साक्षी मलिक का, वो बजरंग पूनिया का, चाहे हमारी विनेश फोगाट है बहन, ये इनका मामला नहीं है। इन्होंने लड़ाई लड़ी है, आने वाले जो भविष्य है हमारी बेटियां छोटी छोटी, इनके साथ शोषण हो गया, अत्याचार हुआ और वो सिद्ध भी हो गया। आपने देखा जब इन्हें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने वहाँ इनकी सुनने का काम नहीं किया, इनको रोड पर घसीटने का काम किया। बहुत बड़ी एक आपने देखा कई दिन लगातार धरना भी दिया और इन्होंने ये खुला ऐलान भी किया था कि हमारे साथ तो जो हुआ हुआ, लेकिन जो हमारे आने वाली अगली बहन छोटी छोटी हमारी बहनें हैं उनके साथ ये अत्याचार ना हो। इसलिए जो ये बाहुबली दुराचार जो ब्रजभूषण जी हैं, ब्रजभूषण को उसको हटाने का मामला था भाई, और किसी के साथ ये न्याय ना हो। और बीजेपी की सरकार दे कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं, खेल की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल करी उस समय यह सब साबित किया, दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि इन बेटियों के साथ दुराचार हुआ है, इनके साथ शोषण हुआ है, ये दिल्ली की पुलिस का कहना है। और फिर आपने देखा अब इन्होंने कहा ये दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, दबदबा रहेगा, लेकिन फिर देखा अपने बजरंग पूनिया ने अपना जो पद्मश्री अवार्ड है उसको भी वापस करने का काम किया, चाहे साक्षी पूनी मलिक है बहन हमारी, उन्होंने संन्यास लेने का काम किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई बजरंग पूनिया से कहूँगा कि ये जो पद्मश्री है ये कोई बीजेपी सरकार का नहीं है, ये ब्रजभूषण का नहीं है, ये आपकी मेहनत है, आपकी सालों साल मेहनत का पसीना खून पसीने का ये पद्मश्री है। आप भावना में ना आ गए, ये पद्मश्री आपका अपना, इसको रखें। और जो इनकी लड़ाई है पूरी कहते हैं भाई राजनीति है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हों, और जितनी भी कांग्रेस पार्टी है इनके साथ खड़ी है। इसमें अगर कोई राजनीति की बात करे, इस बात से हम डरने वाले नहीं हैं, राजनीति की ये बात नहीं है, हम अपने हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, डटकर खड़े रहेंगे। और उसको लेकर भी पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो खिलाड़ियों का प्रीपेड था ये तो जो है कांग्रेस की वो है कि उनके साथ फोटो देते गए। किसी बात को राजनीति के साथ अटकाना बड़ा आसान होता है इस बात के लिए। हरियाणा की बेटियां जब संघर्ष कर रही थी जंतर मंतर पर, साथ में और भी हमारे खिलाड़ी बजरंग पूनिया और भी साथ में जितने खिलाड़ी थे कर रहे थे, वो एक लड़ाई लड़ रहे थे, और उस लड़ाई में कोई उन बहनों को बेटियों को पूछने के लिए नहीं गया। मामला यहाँ तक आया कि रोहतक में एक पूर्व मंत्री बैठते हैं, उन्होंने ब्रजभुवन शरण सिंह को अपने घर न्योता दिया, उनका सम्मान किया, और उधर से हमारी जहाँ पर हमारी बेटियों का, हमारी बेटियों विनेश फेगाट और साक्षी मलिक का, उन्होंने उत्पीड़न का मामला एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस पे लगाए हुए हैं, चार्जशीट हुआ हुआ है। ये तो ऐसी राजनीति करते हैं, हमारे से कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं, राजनीति की बात है, अपनी बेटियों की भी रक्षा करेंगे और पहलवानों के साथ हमेशा उनकी लड़ाई के साथ हमेशा ही उनके साथ खड़े हैं। ये कितना जायज मानते हैं, जितना साक्षी मलिक ने पहले राजनीति से उस खेल से जो है कुश्ती से संन्यास लेने की बात की, फिर बजरंग पूनिया ने पद्म से नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे होता है कि भावनाओं की बात होती है, इमीडिएटली आदमी एक काफ़ी आहत महसूस करता है। जिस तरह ये हरिद्वार के अंदर सारे अपने पदक बहाने के लिए गए थे तो एक इमोशनल वो था, सभी ने मना किया था, आखिर में वहाँ पर नरेश टिकैत वहाँ पर पहुँचे, उनको रोका, इस तरह एक भावुकता है, उनके ऊपर चोट लगी हुई है, उस चोट बोलती है, उनका जो अनादर हुआ है, जो उनका अपमान है वो बोलती है। उस हिसाब से उन्होंने अब किया, उसने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तुमको कहा था बेटी इस बात के लिए इतनी जल्दी फैसला नहीं लेते, उन्होंने मना किया था, पर उसका अपना फैसला है। अब उसके बाद फैसला अगर वो इस जो अब मामला आया है उसमें अगर वो बदलती है तो बढ़िया बात है इस बात के लिए, और हम साक्षी मलिक के साथ। सत्य सटीक बेबाक।